जनपद हमीरपुर विकासखंड भरुआ सुमेरपुर पूर्वी मंडल अध्यक्ष अरिमर्दन सिंह ने आज मोदी रसोई में गरीब असहाय एवं प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। इस कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारी लाला रणवीर सिंह, जिला महामंत्री किसान मोर्चा हमीरपुर एवं जिला कार्यकारिणी सक्रिय सदस्य श्री अर्जुन सिंह छेदीलाल मंडल उपाध्यक्ष तथा श्याम धुरिया मंडल महामंत्री के अलावा सेक्टर संयोजक अरविंद श्रीवास्तव, पवन सैनी, संजय गुप्ता, अशोक सिंह, मोनू इत्यादि तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दे करके स्वयं भोजन बनाया एवं पैक किया तथा आने वाले प्रवासी मजदूरों को भोजन पानी वितरण किया। इस कार्यक्रम की सराहना पूरे मंडल में लोगों ने की तथा बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों ने भोजन और पानी प्राप्त करके अपनी भूख मिटाई एवं अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए प्रस्थान किया। हाँ सर, अपना नाम और पद बताएं। मेरा नाम अरिमर्दन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी सुमेरपुर पूर्वी का मंडल अध्यक्ष पद का दायित्व है। ये सर, जो आपकी ये रसोई का कार्यक्रम चल रहा है, ये किस बेस पे चला रहे हैं? ये शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार जो अन्य प्रदेशों से हमारे श्रमिक बंधु आ रहे हैं, पैदल अथवा किसी निजी साधन करके निकल रहे हैं, उनको रोककर उनकी भोजन व्यवस्था हेतु समस्त सुमेरपुर मंडल के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनको भोजन और पानी उपलब्ध करवाने हेतु ये सब तैयार किया गया। ये सरकार का आज से शुरू किया कि इसके पहले भी चल रहा है? इसके पहले जो हमारा लॉकडाउन का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण रहे, उसमें गरीब और मजदूरों के लिए राहत पैकेट जिसमें 4 किलो आटा, 2-2.5 किलो आलू और 2 किलो हरी सब्जी और अन्य सामान जैसे साबुन, तेल, अन्य सामान हम लोगों ने घर घर जाकर लगभग 2000 राशन किट हमने पहुंचाए हैं गरीबों के यहाँ। ये कार्यक्रम सब जैसे अपने मंडल में आप सुमेरपुर में चला रहे हैं, इसके अलावा आप गाँव में भी चला रहे हैं इसको? गाँव पर लगातार हम लोग कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं, जहाँ जिस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।